ठीक है जी। पहली चीज है आपकी सिनारियो। कुछ एक फॉल्स डेटा लेना पड़ेगा। एक हमारा आइटम है कोई लेदर जैकेट। ठीक है जी। या ना लोन का कुछ लोन से रिलेटेड पे आते हैं, वही काम होगा। लोन से रिलेटेड आते हैं। लोन हमारा पचास हजार का लोन। या लोन का भी छोड़ते हैं, सिंपल कुछ भी वही ले लेते हैं, देखना ही तो है क्या करना है। क्वांटिटी 20, रेट कोई भी आइटम 100, डिस्काउंट अकाउंट कुछ भी 5 रुपए दे दो। ये टोटल क्वांटिटी रेट माइनस डिस्काउंट पर पीस में इतना दे देता हूँ। हाँ ठीक है। और इस टोटल अमाउंट में चलिए यही करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे। सिनारियो मैनेजर, ऐड सिनारियो। तो चेंजिंग सेल है, मैं जरा क्वांटिटी या रेट ही ले लेता हूँ। सिनारियो पे लिख देता हूँ आफ्टर 5 ईयर्स। बाय चेंजिंग सेल, ओके। क्या करेंगे, आफ्टर 5 ईयर ये 100 की जगह 150 रुपए का हो जाएगा। ठीक है जी। आफ्टर 10 ईयर ये 150 से 200 का हो जाएगा। दो ही सिनारियो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक और कर देता हूँ। आफ्टर 15 ईयर, ये 250 का। ओके, तीन सिनारियो ऐड हो गए। समरी निकाल के देखो, समरी में यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, समरी में ये है कि मैंने क्या क्या लगा रखा है इसके अंदर। समरी पे मत जाइए, अब ये करता क्या है। मैं वापस इस पे जाता हूँ, सिनारियो मैनेजर पे। इसको तो B2
हाँ, जैसे मैंने आफ्टर 5 ईयर सिलेक्ट किया तो ये डेटा है, ये जैसे रेंज ऑफ डेटा के लिए होता है। यहाँ तो मैंने एक सिंपल सा कॉलम ले रखा है, पर कई जगह ऐसा होता है ना कि जैसे यहाँ पे हमने टोटल सा कर दिया और यहाँ पूरी टेबल बना दी और उसके पे कई टैक्स लग गए या जो भी लग गए, इनवॉइस टाइप का बनाते हैं। मैं इसको शो करता हूँ तो यह यहाँ पे शो करके दिखाता है, 10 साल का सिलेक्ट करके फिर शो करता हूँ तो यहाँ पे चेंजेस दिखाता है। इसको शो करता हूँ, यहाँ चेंजेस दिखाता है, यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। समरी देखना चाहे, समरी पे क्लिक करेंगे तो आपके क्या क्या लगे हुए हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। हाँ, तो अगर मैं पूरी रेंज में दूंगी तो मुझे हर एक का रिजल्ट डालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे रिजल्ट फर्स्ट शीट पर आया था 1500, हाँ जी, जब यहाँ पर हमने 100 ग्रेड लिया था हाँ तो टोटल हमारा आ रहा था 1500। अगर मैं वो पूरी रेंज नहीं, पर लगा रही तो मुझे यहाँ पर वो 1500 भी देना पड़ेगा। समझा नहीं मैं कैसे कह रहे हैं। जैसे ये क्या करता है ना, जैसे कोई भी रेंज में ना आपकी प्री डिफाइंड वैल्यूज सेट करके आप ये चीज मैन्युअली भी कर सकती हैं, ठीक है, पर ये चीज आपकी ना सेव रहती है मेरे हिसाब से। जहां अगर मैं नई शीट खोलूंगा क्या पता, लेकिन नहीं इसमें नहीं रहेगी, एक शीट में ना सेव रहती है। आप डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज बना के ना आगे मैनुअल वैल्यू आपका ना वो डेटा डिस्टर्ब नहीं रहता। अब जैसे जो मैनुअल वैल्यू वाला सिस्टम होता है हमारा, हम करके दिखा देते हैं कि इस बार इतना हो जाएगा उतना, या अलग वो करके दिखा देते हैं, तो उसके लिए होता है। आपके पास यहाँ पे आप अपना डिफाइंड करके रख सकते हैं, एक तरह से आप ना इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। शो शो बट ये चीज कैसे यूज आएगी वो मुझे अभी तक नहीं समझ। मुझे भी नहीं समझ आया मैम, इतना ही होता है इसमें मुझे यूज ही नहीं पड़ा इसका। ये किस तो सिचुएशन में हम ये यूज करेंगे? ये ना मैंने ज्यादातर देखा है ये चीज यूज करते इंश्योरेंस सेक्टर में, वो ना इसमें कुछ वो कुछ बना देते हैं। अब जैसे रेट और क्वांटिटी का आपने देख लिया ना, अब यहाँ ऐसे हो गया, अब मैं देखो एक रेट क्वांटिटी के लिए दूसरा जुगाड़ करता हूँ, ये एनालिसिस के लिए होता है। मैं अब देखता हूँ 10 से 90, ठीक है जी, यहाँ मैंने कुछ ले लिया और यहाँ मैंने कुछ ऐसे ही फॉल्स डेटा ले लिया, ठीक है जी, और यही सारी जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ कर देता हूँ यहाँ, ठीक है जी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अगले ऑप्शन पे जाता हूँ, इसका व्हाट इफ एनालिसिस का डेटा टेबल है, रो इनपुट सेल। मैंने कहा जो ये है तो क्वांटिटी है और जो ये उठा है वो यहां से उठा है, तो कॉलम इनपुट सेल ये, ठीक है, ओके। ये हो गई मेरी क्वांटिटी, और ये हो गया मेरा रेट। अब जो भी फॉर्मूला मेरा लगा हुआ था ना, ये इसी फॉर्मूले को सेम को इसने हर एक जगह लगा दिया है जी। क्वांटिटी ये हो गई आपकी और रेट ये वाला हो गया, मतलब 12 की क्वांटिटी में 29 का रेट 1250, 12 की क्वांटिटी में 64 का रेट इतना। तो ये पर्पज हमारे इससे भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है जी। ठीक है।
ये डेटा टेबल कहते हैं इसे, उसी वाटिफ एनालिसिस का ही दूसरा पार्ट है। हाँ, ये एक चीज यूज में आ सकती है, हालांकि ये ओके भी, यूज में आ सकते हाँ ये भी मुझे जरूरत नहीं पड़ती है इस तरह की। दूसरा होता है गोल सीक, जहां आपको राउंड ऑफ टाइप का चाहिए होता है ना, के गोल सीक, गोल सीक यूज किया है कभी आपने? अब सेट सेल B4 टू वैल्यू, मैंने कहा जी 37,500 बन रहा है, 37,000 में सेटल करो, ठीक है जी। बाय चेंजिंग सेल, मैंने कहा रेट कम करो, ठीक है जी, ओके हो गया। ये अच्छा ये मुझे काम आएगा। है ना, तो इसका तो वो इनवॉइस वगैरह में जहां राउंड की जरूरत आती है ना, कि अरे यार सारे टैक्स लगा दिए तुमने दुनिया भर के, अब ये इतने में आप करो, तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग कई बार हो नहीं पाती है, तो उसके लिए गोल सीक है, ठीक है जी। तो ये वेटिव एनालिसिस है, आप इसको मतलब अब वो आपके ऊपर है, आप इसे यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। जब ऐसी जरूरत आएगी, आपके दिमाग को हिट करेगी, तो अब इसको ये, तो आप अपने आप ही लगा देंगे इसको। तो अब आज मैं सोच रहा हूँ कुछ आपको एरे फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, एरे। हालांकि इससे पहले मैं आपको एक डेटाबेस फंक्शन बता देता हूँ। ओके जिस तरह से VLOOKUP वगैरह होते हैं, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस के कुछ फंक्शन होते हैं। डेटा डेटाबेस फंक्शन, सबसे पहले लेते हैं DGET को। डी ये डी गेट डेटाबेस क्या हो गया हमारा, ये ठीक है जी, फुल डेटा। फील्ड क्या हो गई हमारी, नेम जो हेडर है, और क्राइटेरिया क्या हो गया, क्राइटेरिया में किस तरह की वैल्यू लेता है ये, A2 से A1 से A2, ऑर्डर आईडी ये, अच्छा जिसकी जो सेल है वो 59 होनी चाहिए, फंक्शन क्लोज कर दो, 59 यहाँ डेटाबेस में 59 किस किस के आगे आ रहा है, ये रहा।
देखते हैं 59 सेल वाले कितने हैं, एक ही है। इसको इस तरह से भी कर सकता हूं मैं, क्राइटेरिया जो है इन दोनों को मीट करता हो, 59 हो और 500 नहीं है, या फिर ऐसा करता हूं मैं, लेस देन 90 या ग्रेटर देन, होगा लेस देन 90 और ग्रेटर देन 500, ये भी नहीं चलता। पंद्रह सौ कर ना, सिंगल क्राइटेरिया पे चलता है। डबल क्राइटेरिया नहीं चलता है इसके अंदर शायद। उसमें 59 के साथ 1000 लगा कर देखे ना, 59 वाला नीतू है हाँ तो पता उसका अभी है पता। 500 लिखा था ना। नहीं मैं ये देख रहा हूँ ना, इसमें अपना इसने C A1 से A2 लिया है, यानी कि ये लिया, फिर इसने क्या किया अगले में A1 A2 A, तो यानी कि ये सिंगल क्राइटेरिया के बेस पे ही काम करता है। डबल क्राइ मैं डबल क्राइटेरिया के बेस पे चला के देख रहा था कि ऐसा कर सकता है कि नहीं, है ना, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल है डबल क्राइटेरिया के बेस पे कैसे लेना है, तो मैं ये देख रहा था कि इसको हम उसके लिए क्यों यूज करें, हमारे पास क्या रीजन है कि हम डेटा डी गेट या डेटा बेस फंक्शन को यूज करें, हालांकि ये सिंगल क्राइटेरिया के बेस पे ही लेता है। गाना कौन गा रहा है ये? तो यहाँ पे जो हमारा ना ये जो क्राइटेरिया होगा ना, ये डेटाबेस के कुछ ऐसे फंक्शन है जो ना हेडर बेस पे चलते हैं। यहाँ पे हमें ये देखने की जरूरत नहीं कि कॉलम इंडेक्स कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है, वो उसके बेस पे काम नहीं करते, ठीक है जी, डायरेक्टली काम करते हैं। बहुत सारे ही डेटाबेस के फंक्शन ऐसे हैं, डी गेट का क्या करता है, किसी भी क्राइटेरिया के बेस पे किसी फील्ड से वैल्यू लेके आता है किसी डेटाबेस से, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, मैं इनकम पे आ जाता हूँ, मैंने कहा 1500 इनकम वाला लेके आ जाओ, जब मल्टीपल वैल्यूज है आई थिंक, क्योंकि 1500 इनकम वाले तो हैं, सिंगल चीज भी होनी चाहिए, जैसे आईडी के बेस पे गेट करते हैं हम वी लुकअप में ना, यहाँ पे ये मल्टीपल में हो रखा है इसके कारण नहीं फाइंड कर रहा है। आप सिंगल जो यूनिक होगा अपने आप में उसको फाइंड कर लेगा, ये 1500 वाले बहुत सारे हैं इसलिए एरर दे रहा है। किसी की अगर मैं चेंज कर दूं 768 और इस तरह से आईडी भी इस पे पे निकाल देगा, ये नीतू नीतू कहाँ से आ रहा है बार बार, अच्छा नीतू ही, ठीक है जी। इसी तरह से होता है हमारा डी सम का, डी सम फंक्शन जो है डेटाबेस फील्ड, मैं देता हूँ नेम और क्राइटेरिया में ये देता हूँ, ये दोनों ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे। अब मैंने कहा सुजीत का सम लिखाओ,
एस बड़ा है, क्या चक्कर है। सम रेंज फील्ड क्राइटेरिया, A48 यूनिट ए से पूरा है, ठीक है, यूनिट कोस्ट है, ठीक है, A1 A2 से भी अच्छा। क्राइटेरिया तो मैं भी सही दे रहा हूँ, उसमें पंगा क्या है। पर नेम में मैं फाइंड कर रहा हूँ सीधा सीधा क्राइटेरिया, अगर मैं डायरेक्ट ही दे दूं तो चलेगा ना। ओके ओके ओके, जान लगाई गलत रहा हूं तो क्या आएगा। इनकम, अब ये क्राइटेरिया ऐसे सेलेक्ट कर लेते, अब ठीक है, ठीक है जी। डेटाबेस टोटल सिलेक्टेड है, फील्ड जो है हमें जिसका टोटल करना है वो देनी थी, इनकम, ठीक है जी। क्राइटेरिया में आप हेडर के साथ सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिफिकली अगर मैंने इसको दोनों के साथ सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ वो सुजीत जिसकी सेल 86 है तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 90 है, नहीं 90 ग्रेटर है यानी वो लेस देन, उल्टा लगाऊं, ग्रेटर देन का ही है, ग्रेटर देन 90 कोई भी नहीं है, ग्रेटर देन 80 कर दूं 1500, ग्रेटर देन 50 कर दूं 4500। एक चीज मैं टेस्ट करना चाहूंगा, हमारे पास कुछ कीवर्ड होते हैं, अब वो चलते हैं कि नहीं, नहीं इसमें नहीं चला सकते, ठीक है जी। इसी तरह से इसके जैसे डी सम करके दिखाया आपको, डी एवरेज, डी मैक्स, सभी ये सारे के सारे फंक्शन एक ही तरीके से लगते हैं। डी मैक्स डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया सेम, ऑलमोस्ट सेम, ये डी सम की जगह मैं कर देता हूँ डी मैक्स, यानी मैक्सिमम जो सबसे बड़ा है उसमें से निकाल के दे देगा, मतलब बोला सबसे बड़ी फील्ड है 1500, ठीक है जी। डी मिन कर देता हूँ, हजार सबसे छोटी एंटिटी, ठीक है जी। डी एवरेज कर दूंगा, एवरेज निकाल के दे देगा सारे की, यहां से एक क्राइटेरिया हटा दूंगा तो 6000 में से 6 एंटिटी मिली, जो जितने भी मिले उनके एवरेज दिखा देगा, जैसे ये रहा टोटल 6 6000, एवरेज 1000, ठीक है जी। वो इसी की तरह से इनके और भी फॉर्मूले हैं, डी काउंट टोटल काउंटिंग बता देगा। अब मैंने कहा भैया सुजीत के कितनी वो है, फील्ड इसमें ऑप्शनल है, अच्छा ये डायरेक्ट काउंट की तरह भी काम कर सकता है, डी काउंट।
ग्रेटर देन 50 वाले कितने हैं? चार, ठीक है जी। और स्टैंडर्ड डेविएशन डी आर डी, ये सब कुछ स्टैटिकल है, मुझे इनके बारे में नहीं मालूम ये करते क्या है। डी आर फंक्शन, वेरिएंस ऑफ ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन, ये वेरिएंस वगैरह मुझे नहीं मालूम क्या चीजें होती है। मैथमेटिकल जितने मतलब जो आपको समझ आता है उतने तक आप कर सकते हैं, अगर कोई मुझे समझा दे तो मैं फॉर्मूला समझा दूंगा कि क्या क्या करता है, वेरिएशन निकालता है कुल मिला। और देखते हैं क्या है। डी काउंट है, काउंट और काउंट ए का फर्क मैंने बताया था आपको। काउंट ए टेक्स्ट भी काउंट कर ले, अकाउंट जो है खाली नंबर काउंट करता है, काउंट ए टेक्स्ट काउंट करता है, अल्फा न्यूमेरिक डिजिट में काम करता है। अब यहाँ क्या करता है डी काउंट ए, कॉलम और डेटाबेस दैट कंटेन्स नॉन ब्लैंक वैल्यू, मतलब कुछ भी हो वो काउंट कर लेगा नंबर। और जैसे काउंट और काउंट में फर्क है, वैसे ही डी काउंट और डी, ये फर्क इतना है कि एक फील्ड क्राइटेरिया डेटाबेस के टाइप से चलता है। और डी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना होता है, प्रोडक्ट ही निकालता है। प्रोडक्ट मतलब तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ए टू क्वांटिटी में अगर मैं ए वन ए टू लेस देन इक्वल टू 4 क्वांटिटी लेता है तो 180 रिटर्न कर देता है। इनकम की जगह हम ले लेते हैं यहाँ सेल्स, बड़ी फिगर है, आपस में मल्टीप्लाई कर करके ज्यादा हो जा रहे हैं, ये बस आपस में मल्टीप्लाई कर देता है इसको, इन सबको मल्टीप्लाई करके। प्रोडक्ट यही है ना, आपस में मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है जी। ये कुछ डेटाबेस फंक्शन है, आगे चलते हैं एरे के तरफ। एरे फंक्शन हमारा क्या करता है, एरे का मैंने अगर शुरुआत में बताया होगा कभी, एरे फंक्शन मल्टीपल सेल में जो हम फंक्शन लगाते हैं, मल्टीपल सेल कैलकुलेशन करता है, वो एरे होता है। एरे की शुरुआत होती है कर्ली ब्रेसेस से, इसको हम कहते हैं, और इसको लगाने का प्रोसीजर भी है। टू थ्री सपोज तीन वैल्यू मैंने अलग अलग सेल में दिखानी है, जे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा, एक यहाँ आ गई, बाकी मैं तीन सिलेक्ट करूंगा, F2 गया, अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब इसमें खास बात क्या है, ये फॉर्मूला एक है, तीनों में जाएंगे एक ही फॉर्मूला लगा हुआ है,
एरे फॉर्मूला आप डिलीट करेंगे, डिलीट नहीं हो सकता। इसको चेंज करने के लिए F2 और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना होता है। ठीक है, F2 से एडिट पे जाएंगे। अगर आप सिंपल एंटर मार के बाहर आ जाएंगे, तो कहीं भी लगाते हैं, जैसे सिंपल एंटर मारेंगे तो ये चलेगा नहीं, एरर शो करेगा। चल भी गया, अगर ड्रैग करूं, हाँ, तो इसकी वेरिएशन जो है वो नहीं आएगी, इफेक्टिव नहीं होगा जब तक इसको हम एरे में नहीं बदल देंगे। तो F2 दबा के जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, तब ये एरे में बदल गया। इसको सिलेक्ट करके F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तब ये एक फॉर्मूला सब में लग गया। अब ये ऐसे तो लग गया, मैं ये चाह रहा हूं कि अब मैं इसको यहां पे ले आऊं, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, पर ये एक ही एक आया, और जबकि मैं 1 2 3 लाना चाह रहा था, ये क्या चीज है? इसमें जो है, हम कॉलम को, जब हमें कॉलम की तरफ वैल्यू में आगे बढ़ना होता है, ऐसे ऐसे इधर इधर, तो यहाँ पे हम कॉमा देते हैं, और जब हमें रो में बढ़ना है तो हम यहाँ सेमी कॉलन देंगे। ठीक है जी, अब हमें ऐसे करना है, 1,2 सेमी कॉलन, 3,4 सेमी कॉलन, 5,6। यहां लगा देते हैं, आगे ठीक है, 1,2,3,4,5,6, जहां जहां हम सेमी कॉलन लगाएंगे वहां से तोड़ देगा। मैं 5 के बाद यहां पे सेमी कॉलन अगर लगाता हूं, सारे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई चेंजेस कर पाऊंगा। कंटेंस एरर, यहाँ क्या एरर आ गई? अच्छा, मैं बीच में ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता, इसको पैटर्न वाइज ही ब्रेक कर सकता हूं। अगर मैं एक्स्ट्रा अगर इसमें लगाना चाह रहा हूं, या कुछ भी पैटर्न से अलग जा रहा हूं, तो एरर दिखाएगा। मतलब जैसे मैं दो दो के ग्रुप बनाए, तो दो दो के ही रहने चाहिए, दोनों में वैल्यू चाहिए। अब बीच में ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अब इसका यूज कहाँ आएगा आपको? एक आईडी दे देता हूँ इनके सामने अलग सी, ताकि ये थोड़ा सा हमारा मैं यहाँ आईडी दूंगा और वी लुकअप लगाऊंगा, ये कोई और भी। मैं मान लीजिए कॉलम कम है यहाँ, तो हम बार बार वी लुकअप लगा सकते हैं, पर जब हमारे पास 50 60 कॉलम ही कॉलम है, हर एक में वी लुकअप लगाने जाएंगे तो हमारा तो वो हो जाएगा। इंडेक्स नंबर भी मैं कितने चेंज करूंगा, ये चीज क्लियर नहीं। अब वी लुकअप, ये देखिए, पहले तो मैं इसको ये फिक्सिंग वाला जो रिफरेंस वाला जो मैंने डॉलर का बताया था, ये मैं समझता हूँ आप लोग को पता ही होगा। यहाँ से वैल्यू सिलेक्ट कर ली मैंने एरे, और इसको भी फिक्स कर दिया F4।
अब कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे पास मुझे चाहिए 2, 3, 4। मैं इसको करली ब्रेसिस में 2, 3, 4, ठीक है जी, करली ब्रेसिस बंद, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यहां लगाया, F2, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब मैं इसको ड्रैग कर दूं बेसिकली, ठीक है जी। एक चीज मैं भूल गया, इधर फॉल्स लगाना या जीरो, ठीक है जी, चेंज हो गया। अब इसको ट्राई कर, ठीक है जी। तो ये एरे के थ्रू फॉर्मूला है, उसमें खास बात क्या है, गलती से कोई फॉर्मूला आपका डिलीट नहीं हो सकता, एक बार में आपका कंप्लीट वी लुकअप लग जाएगा, ठीक है जी। हालांकि ये काम ये मैंने अब इसमें एरे के जरिए किया है, एक बार मैं देखूं क्या मैं इसको क्या ऐसे कर सकता हूं। नहीं, ठीक है, एरे का हम मोस्टली यूज किस लिए करते हैं, कहीं हमें फॉर्म वगैरह बनाने होते हैं ना, मैंने आपको एक शुरुआत में फॉर्म दिखाया होगा कि मैं नाम टाइप कर रहा हूँ और अलग अलग सेल में वैल्यूज आ जाती हैं। ये फॉर्म देखिए, ये एक्सिस बैंक में एनईएफटी कराने का मेरा फॉर्म है। अब उनकी क्वेरी ये थी कि मतलब हमें एक फॉर्म चाहिए डिजिटल, हाथ से भर भर के कब तक भरते रहेंगे, और दूसरा अगर किसी ने फॉर्मेट बना भी दिया तो क्या फायदा जब एक ही एक्सेल में जाके टाइप करना है, टाइम तो उसमें भी लगेगा। मैंने उनके लिए सिंपल शॉर्ट सॉल्यूशन बनाया कि आप यहाँ पे वैल्यू डालो, यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ सुनील, शर्मा, एड्रेस कुछ भी जो भी डालना चाहो, और इसके साथ ही यहाँ डायरेक्टली चेंज आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे एक एक करके करता तो मुझे बहुत टाइम लगता, अब यहाँ मैंने इनको सिंपल कर दिया कि आप यहाँ से फ्री फ्लो में आप लिखिए जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, कोई आईडी वगैरह जो भी, वो इस तरह से अपने आप ही वहां से फॉर्मूले से उठा के। अब मैंने क्या किया इसके लिए, जैसे नेम उठाना था मुझे, मैंने यहां से यहां तक सिलेक्ट किया, ये फॉर्मूला लगाया, ये डेटा फॉर्म D5 में से वैल्यू उठा रहा है, अपर का फॉर्मूला लगाया कि स्मॉल हो या कुछ भी हो सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दे, ठीक है जी। कॉलम 1 से 37, कॉलम का फॉर्मूला करते हैं कि जब हमें जैसे मैंने आपको यहां दिखाया इसमें 2, 3, 4, अब यहां 50 होता तो मैं 50 तक एंट्री नहीं करता, मैं इसमें हमारा एक फंक्शन काम करता है कॉलम, इसको मैं कहता 2 से 4 कॉलन करके इतना कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलता शायद, यहाँ रोका, रो नहीं यार, कॉलम ही लगना, 1 से
पहली चीज तो एक से ही चलता है मेरे ख्याल से, अगर ये चलता है तो एक से ही चलता है, कॉलम एक से चार। ना 137 यहाँ तो वर्किंग में है। चलिए फॉर्म पे ही आ जाते हैं दोबारा से। मिड का फॉर्मूला क्या करता है, पहला होता है कि डेटा कहाँ से लाना, अब किस में से निकालना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कितना निकालना है। तो 1 से 37 तक जब ये करेगा तो 1 से लेकर 37 तक इसको डिवाइड कर देगा, जितने भी स्ट्रिंग होगी 1 से 37 तक डिवाइड किया, पहला लेटर पहले से उठा लिया। और एरे क्या करेगा, उसको एक एक जगह पे पुट करता जाएगा। जैसे मेरे पास ये 37 वो है, तो कॉलम 1 में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी, 2 में जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ आ जाएगी। थोड़ा सा ना ये कॉन्सेप्चुअल है, ये इतनी जल्दी आपके समझ में आएगा नहीं, एक दो बार आप लगा लेंगे तो ये भेजे में घुसेगा, हालांकि दिक्कत तो हमेशा ही करता है। तो आज मैं आपको खाली इसी कॉन्सेप्ट के साथ छोड़ रहा हूँ, बाकी इसके 2-4 एग्जाम्पल और उसकी को आगे कंटिन्यू करेंगे। टोटल 3 क्लास मेरे ख्याल से लगेगी इसमें हमें समझने में इसको। ठीक है जी, ओके ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मुझे भी पता है, ये इतनी जल्दी मेरे हाँ मेरे भी भेजे में नहीं घुसा था, एक क्यों ऐसा मैंने हुआ। ना हाँ मैंने वो कर दिया, मैंने चैनल्स लिखे हुए हैं। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ देख के फिर क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक है हो तो बाकी गया। इसके ना टेक ऑन द नेट पे, टेक वो हम भैया का नंबर दे रहे हैं। टेक ऑन द हाँ नेट टेक ऑन द ठीक नेट आपके दोस्त रहेगी हमेशा। यहाँ पे आपको अलग से एरे फंक्शन मिलेंगे। एरे आपको सर्च ही करने पड़ेंगे क्योंकि हर जगह मिलते नहीं है, बहुत कम यूज करते हैं लोग इसका। ये रहे एरे फॉर्मूला का एक सेगमेंट अलग से है ना, यहाँ पे एरे के अलग 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 सम करने का, काउंट करने का, एवरेज करने के अलग अलग फंडे हैं। आपको कल मैं इसके एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ये वैसे एक्सप्लेन करने की चीज नहीं, ये कल ही आपको एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल में समझ आएगा। जैसे यहाँ सम कर रखा है इन्होंने, अभी इसमें पता है क्या कर रखा है, सम A1 से A5, B1 से B5 इक्वल टू 150। इसने क्या किया, A1 से A5 को B1 से B5, ये हो गया मान लीजिए क्वांटिटी, ये हो गया रेट, और ये इक्वल टू 150 हो गया क्राइटेरिया, जहां पे जब ये ट्रू या फॉल्स होगा ना, जैसे 150 होगा तो वहां ट्रू हो जाएगा, 1 आ जाएगा है ना, और 1 जब इसमें से मल्टीप्लाई होगा इसके सामने वाले से, यहां बनाया तो सेम वैल्यू आ गई, यहां पे अगर नहीं है फॉल्स है 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, C1 से C5 में U होना चाहिए, तो U भी इन दोनों के आगे मिल रहा है, तो अगर इसको मिलेगा इनमें से सामने सामने, वहां 1 1 हो जाएगा, बाकी जगह 0 0 हो जाएगा। तो 8 150 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 रहा, तो बाकी सब में 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण इनकी वैल्यू खत्म हो गई, तो बचने वाला रिजल्ट 15 रहा। कुछ थोड़ा सा मतलब समझ आया, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, कल बताना।
ठीक है ठीक, ये थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। ये सबसे पावरफुल चीज है इसकी इस, ठीक है जी। कल हम कल इसे फिर से स्टार्ट करेंगे तब शायद आए। आ जाएगा, ये तो पक्की बात है। इसके ऊपर दुनिया में एक ही बुक लिखी गई है, 2000 रुपए की आती है। हाँ, इसके ऊपर और कोई एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है जी, चलिए गुड नाइट, लेट हो रहा है थोड़ा। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट।